जिस ढंग से महाराष्ट्र में पिछले 5 दिन से जो राजनीति हो रही है, जो तल्ख तेवर दिखाए जा रहे हैं, काले झंडे तक की बात की गई, ये तो चलिए राजनीति में विरोध का एक तरीका है, लेकिन उसके अलावा जितनी बातें की गई, महाराष्ट्र को बांटने की बात की गई, मराठा राष्ट्र जैसी एक तरह से चेतावनी भरे अंदाज में धमकी है, और जिस दल ने धमकी दी है उसके नेता बागी सारस्वत हमारे साथ बैठे हैं, पटना से रामकृपाल यादव हैं, लालू यादव की पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। प्रभा जी, कांग्रेस इस बार भरोसा देने की स्थिति में है कि अगर ये लोग सड़क पर आए, अगर इन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया, तो कांग्रेस सरकार सख्त कार्रवाई करेगी, जो अब तक कांग्रेस ने नहीं किया है। मैं पहले तो सारस्वत जी से पूछना चाहूंगी, अभी उन्होंने एक बात कही मनोज कुमार जी की तारीफ करते हुए कि उन्होंने देशभक्ति की फिल्में बनाई, यानी वो देशभक्ति की हिमायत करते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं, तो वो ये भी जानते होंगे ज़रूर कि देश का अर्थ पूरा भारत देश होता है। और आज जो उनके ही दल के जो नेता हैं बाला साहब ठाकरे साहब, वो जिस देशभक्ति की बात कर रहे हैं, जिस तरह से देश को एक तरह से जैसे तोड़ने की बात कर रहे हैं, क्या वो देशभक्ति के अंतर्गत आता है? पहले तो उन्हें अपने ही दल के जो नेता हैं, जो केवल एक क्षेत्रवाद की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र महान प्रदेश है, महान परंपराएं रही हैं। प्रभा जी, मैं चाहूंगा आपके सवाल का जो आपने कहा इसका जवाब बागी सारस्वत दें। बागी जी, आपने देशभक्ति की फिल्म का उदाहरण दिया, मिसाल दिया, लेकिन जो आप कर रहे हैं, जो आपकी पार्टी कर रही है, जो आपकी पार्टी के सुप्रीमो कर रहे हैं, वो कम से कम देशभक्ति नहीं है। प्रभा ठाकुर जी को मैं एक बात याद दिला देना चाहता हूँ कि हमारा देश एक संविधान के आधार पर चलता है, और संविधान ने ही ये व्यवस्था दी है, क्षेत्र बनाए हैं, भाषा बनाई है, और भाषाओं के आधार पर प्रांतों की रचना की है। महाराष्ट्र मराठी भाषिक लोगों के लिए बनाया गया प्रांत है। अगर महाराष्ट्र में हम अपने क्षेत्र को समृद्ध करने की बात करते हैं, अपनी भाषा को समृद्ध बात करने की बात करते हैं, बात कहां करते हैं आप, तो लाठी डंडों की बात करते हैं। दोपहर में आप हमारे चैनल पर थे, आप कह रहे थे कि हम लातों की भाषा जिनको पता है उनसे हम बातों से बात नहीं करेंगे, आप बात कहां करते हैं? दोनों आप एक तरफ संविधान की बात करते हैं और जो आपकी कार्रवाई होती है गैर संवैधानिक होती है, गैर कानूनी होती है। बागेश जी, मैं सारस्वत साहब से एक बात और याद पूछना चाहती हूँ। एक संविधान की बात कर रहे हैं, सुनिए, आप संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब ने लिखा है, वो स्वयं महाराष्ट्र से संबंधित थे। संविधान से इनको कोई मतलब नहीं है, देश तोड़क है, देशद्रोही लोग हैं। महाराष्ट्र केवल मराठी भाषियों का है या मराठियों का है, या महाराष्ट्र में दूसरे प्रदेश के नहीं आ जा सकते, ये उन्होंने मुझे आश्चर्य हो रहा है, कौन सा संविधान, कौन से संविधान की बात? मुझे आश्चर्य हो रहा है प्रभा ठाकुर जी, मुझे लगता है प्रभा ठाकुर जी आपका ज्ञान अत्यल्प है। जब बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनाया था तब महाराष्ट्र नहीं बना था, महाराष्ट्र बहुत बाद में बना है, 1960 में बना है। आप कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हैं, देश के एक महत्वपूर्ण पद पर आप काम करती हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र की स्थापना कब बनी थी। अगर आप महाराष्ट्र के बारे में नहीं जानती हैं तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि महाराष्ट्र पर बहस करें, महाराष्ट्र के बारे में बात करें। सबसे पहले आप अपने ज्ञान को दुरुस्त कीजिए, महाराष्ट्र की बात करिए। नहीं जानते हैं, उन्होंने मराठा मराठी बोलने वालों की हिसाब, उन्होंने ये भी कभी नहीं कहा संविधान में, क्या उन्होंने ये लिखा? बागी जी, लेकिन हम मुद्दे पर आए, बागी सारस्वत जी हम मुद्दे पर आए, बागी सारस्वत जी हम मुद्दे पर आए, आप संविधान की दुहाई दे रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान के मर्यादा से बाहर हरकत जितनी भी आप करते हैं वो संवैधानिक दायरे से बाहर है। रामकृपाल जी, आप कुछ बोल रहे थे, क्या जो शिवसेना या क्या जो MNS जिस तरह से धमकियां दे रही है, जिस तरह से कार्रवाई करे, क्या कहीं से भी ये संवैधानिक दायरे में है? और अगर नहीं है तो सबसे बड़ा सवाल, प्रभा जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता, तमाम कांग्रेसी नेताओं से हम बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, कार्रवाई आप क्यों नहीं करते? आपके हाथ में सरकार है, कानून है, संसाधन है, फिर आप लाचार क्यों हैं? नहीं, लाचार नहीं, मैं आपको बताऊं इसके पीछे वजह सिर्फ एक है। जिस तरह से पिछले कुछ वर्षों से मनसा के लोग और शिवसेना के लोग जिस तरह से संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, मुझे
इन्हें शर्म आनी चाहिए जो अभी संविधान की बात कर रहे थे मनसा के जो प्रवक्ता हैं। मैं समझता हूं कि संविधान को तोड़ने वाला आज तक कोई राम पार्टी आया है या लोग रहा मनसा सिसोदिया के लोग रहा मर जाना चाहिए। आप इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं महाराष्ट्र के साथ, महाराष्ट्र को अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं। राम कृपाल यादव की धज्जियां उड़ा रहे हैं, बोलने का कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। इनको संविधान को संविधान के विषय में एबीसीडी नहीं मालूम है। ये देश तोड़क है, मिनिमम मजदूरी के लोग देश तोड़क है। और समान रूप से कांग्रेस पार्टी भी, कांग्रेस पार्टी भुखमरी के मत बोलो, चिल्ला के मत बोलो। राजनेताओं की वजह से बिहार और उत्तर प्रदेश की भीड़, वहाँ के लोग यहाँ महाराष्ट्र में आते हैं। अरे महाराष्ट्र तो आपका पेट भरता है रामकृपाल यादव जी, महाराष्ट्र की वजह से उत्तर प्रदेश और बिहार इस तरह की बात आपको नहीं करनी चाहिए। ये बिल्कुल भड़काऊ बातें हैं और सरासर गलत है। महाराष्ट्र को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। संविधान कर रहे हैं सरासर गलत। आप राजनीति कर रहे हैं, आप इस देश की जनता को, ये राज नहीं है, देश नहीं है, तुम्हारा नहीं चलेगा। मनसा के लोग शर्म नहीं चाहिए। किस तरह की बातें कर रहे हो, क्या ले जाना चाहते हो देश को? अब कांग्रेस पार्टी भी उतना ही जिम्मेदार है। इनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं करने का काम किया है। क्या कर रही है कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? क्यों नहीं अब तक ऐसे रामकृपाल यादव जी का काम कर रही है? क्या इनके पास कोई कानून नहीं है? कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? मैं आपको बताता हूँ, इनको आप जरा अरे कानून में इस तरह कानून का उल्लंघन अगर कोई करेगा तभी तो आप कार्रवाई करेंगे। और नया फिंगर वाला सजा करने का काम क्या है महाराष्ट्र में? ये क्या समझ रहे हैं? तब लगती है इनकी जरा सी चल मुट्ठी भर वो सरकार में प्रमोट कर रहे हैं संविधान को। ये क्या प्रमोट कर रहे हैं? रामकृपाल जी और बागी जी, जरा आप लोग अगर चुप हो जाएं तो मैं प्रभा ठाकुर जी से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। बागी जी, रामकृपाल जी, आप रामकृपाल यादव जी महाराष्ट्र द्रोह की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र को नुकसान देने की बात कर रहे हैं। और प्रभा ठाकुर जैसे पार्टी इनको जेल में भेजना चाहिए, इन्हें महाराष्ट्र की जानकारी नहीं है। देश का गद्दार लोग, देश के गद्दार लोग, इनकी दादागिरी नहीं चलेगी। रामकृपाल जी थोड़ी देर के लिए अगर चुप हूँ तो हम प्रभा जी से एक सवाल पूछना चाहेंगे। रामकृपाल जी बीच में रोक रहा हूँ, प्रभा ठाकुर जी से एक सवाल पूछना चाहेंगे। प्रभा जी एक सवाल फिर आपकी तरफ, 10 साल तक और उसके बाद कुछ महीनों तक सरकार महाराष्ट्र में आपकी है, फिर आप इतने लाचार और मजबूर क्यों हैं राज ठाकरे की सेना के सामने या शिवसेना के सामने? आपकी सरकार क्यों मजबूर है? क्या आप डंके की चोट पर ऑन द रिकॉर्ड अभी कहने की स्थिति में हैं कि कुछ भी अगर हुआ तो सरकार कार्रवाई करेगी और ऐसे लोगों को जेल भेजेगी जो वहां कानून और व्यवस्था की हालत को खराब करेंगे? प्रभा जी, जी हाँ बिल्कुल। देखिए सरकार मजबूर नहीं है, सरकार आप मेरी बात को सुनिए, बोलने तो दीजिए। आप आपकी बात बहुत सुन ली लोगों ने, कब से चिल्ला चिल्ला के आप कह रहे हैं जो अब आप सुनिए जो मैं कह रही हूँ। आपके चिल्ला के बोलने से झूठ सच नहीं हो जाएगा। अरे चिल्ला के बोलने से आपका झूठ सच नहीं हो जाएगा, चिल्लाइए मत। जब राज ठाकरे जी ने कोई अपराध किया, मैं बता रही हूँ ना, कांग्रेस के लोग करेंगे, महाराष्ट्र का अपमान करके सबसे बड़ा अपराधी है इस देश का, सबसे बड़ा गुंडा भाई है तो वो है आपके देश में। कानून से बड़ा नहीं है और जो भी कोई कानून अपने हाथ में लेगा, आतंकवाद का कानून।